हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्की ट्रैवल एंड फूड ब्लॉग्स। तो अपने किचन से आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही यमी और साथ ही हेल्दी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो सब्जी नहीं खाना पसंद करते हैं। अगर आपके बच्चे भी कुछ इस तरीके से ही सब्जी खाने से मना करते हैं तो आप ये यमी से स्वादिष्ट मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बच्चों के लिए बना सकते हैं और उनके टिफ़िन में स्कूल के लिए या घर पर एज ए स्नैक्स उन्हें सर्व कर सकते हैं, जिसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा। उससे पहले अगर चैनल पर आज आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे पहले जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा खाली बोल ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कटोरा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, साथ में ऐड करेंगे 1 कटोरा बारीक कटा हुआ गाजर, 1 कटोरा बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स। आपके घर पर आपकी मनपसंद जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं वो आप इन पकौड़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में जाएगा 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए स्पेशली बना रहे हैं तो ग्रीन चिल्ली को स्किप कर दीजिए क्योंकि बच्चों को ये खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। साथ में जाएगा स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर, साथ ही जाएगा हरा प्याज, तो 2 से 3 चम्मच आप ये ग्रीन ऑनियन बल्ब जो होते हैं वो ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर पर अवेलेबल है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्न स्टार्च, तो 5 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कॉर्न स्टार्च के और 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ मैदा। आप चाहें तो इसमें बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन मैंने स्किप किया हुआ है बेसन को, मैं सिर्फ मैदा और कॉर्न स्टार्च को मिलाकर ही इसे बनाने वाली हूँ। तो पानी का यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि सब्जियों का अपना खुद का मॉइस्चर होता है। तो आप देख सकते हैं मेरी बाइंडिंग बॉल्स की नहीं बन रही थी, मैंने और इसमें कॉर्न स्टार्च और मैदा ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से अब जो बॉल्स हैं उनकी बाइंडिंग हो रही है, इट मीन्स ये बिल्कुल रेडी हैं। ऑयल भी मैंने साइड में रख दिया था गरम होने के लिए, काफ़ी अच्छे से ये गरम हो गया है। और एक बार ऑयल जब अच्छे से हीट हो जाए तो आपने इसे लो फ्लेम कर लेना है जब तक कि आप इन बॉल्स को डालेंगे, और बॉल्स एक बार सारी आप डाल लें तो उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम कर लेना है। तो आप देख सकते हैं पाम और फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छे से राउंड शेप में ये बॉल्स बन जाती हैं और इस तरीके से सारी बॉल्स जितनी एक बार में आ सकती हैं आपकी कढ़ाई में फिट आपने वो डाल लेनी है और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो सुनहरा सा हल्का सुनहरा कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्लेम आपका ना ही ज़्यादा हाई हो, अगर ज़्यादा हाई फ्लेम होगा तो आपके जो पकोड़े हैं वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम में अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ऑयल बिल्कुल गर्म होगा तब आपने लो फ्लेम कर देना है और जब आप सारे पकौड़े डाल लें उसके बाद अगेन आपने इन्हें मीडियम फ्लेम करके मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से हमारे पकौड़े एक खूबसूरत सा कलर पकौड़ों में आ गया है, तो इन्हें हम निकाल लेंगे और अब टाइम है प्लेटिंग का। तो यहाँ पर मैंने रेड सॉस जो है वो ली है टोमेटो केचप वाली, और साथ ही मैंने यहाँ पे मेयोनीज लिया है और इन पकौड़ों को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो वीकेंड है, सैटरडे संडे पर फैमिली घर पर होती है, ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट से मिक्स वेजिटेबल पकौड़े आप बड़ों से लेकर बच्चों तक सर्व करिए। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं क्योंकि इनमें ढेर सारी सब्जियाँ डालकर हमने इन्हें रेडी किया है। तो फ्रेंड्स, खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई और अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इन होममेड रेसिपीज़ के साथ साथ ही लोकल मार्केट्स जो हैं दिल्ली NCR या गुड़गांव की वो भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए आप इसे इंजॉय करिए और इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइए, और
अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दूसरी कोई रेसिपी भी आप देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।